directory and I'll show you how to make this cool intro and very personal in After Effects 2015. Let's get started. ये फुटेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा वो। बहुत ही आसान काम है, फिर भी मतलब अच्छा दिख रहा है। कभी यही वर्क मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले मैं After Effects ऑन कर लेता हूँ, बाद मुझे जाना है कंपोजिशन पे जाना है, कंपोजिशन पे जाके मुझे न्यू कंपोजिशन पे जाना है, न्यू कंपोजिशन पे जाके मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे करना है 1280, यहाँ पे करना है 720 और फ्रेम रेट करना है 59.95 और यहाँ पे कर देना है जैसे वीडियो कितनी सेकंड की बनने वाली है 30 सेकंड और बैकग्राउंड को ब्लैक रख देना है और कर देना है क्लिक ओके। फिर मुझे क्या करना है, इस जगह पे आके मुझे करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद फिर न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके फिर न्यू सॉलिड पे जाना है। यहाँ पे जाके भी मैं राइट क्लिक करके ये कर सकता हूँ और जैसे मैं इसको काट के फिर दूसरी तरह का दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाके भी मुझे जाना है फिर लेयर पे जाके न्यू लेयर पे जाना है, न्यू लेयर पे जाके कर देना है सॉलिड। तो ये शॉर्टकट तरीका है, तो मैं इसी करता हूँ। तो क्लिक करके करके कर देना है ओके। अब मुझे फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, कर देना है टेक्स्ट। इस जगह पे जाके कोई कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैं तो फिलहाल मेरा नाम टाइप कर देता हूँ आलोक। तो इसकी कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो रेड अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। अब क्लिक करके ये जो दिख रहा है ये विंडो, इसमें यहाँ पे जाके कलर क्लिक, तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ क्लिक ओके। और सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट करना भूल गया, तो मैं रेड को ए को रेडी रहने देता हूँ और ये तीनों वर्ड मैं वाइट कर देता हूँ कैन ओके। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करके, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मुझे इसकी स्केल को बढ़ाना है, तो यहाँ से जाके मैं स्केल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, तो यहाँ से और इससे अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ना ओके, अच्छा दिख रहा है। तो फिर मुझे क्या करना है, फिर से मुझे इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाकर राइट क्लिक करना है, न्यू पे करना है और इस जगह पे जाकर न्यू क्लिक करना है, फिर से करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जाके मुझे मैं अपना सरनेम लिख देता हूँ ICK। तो ये यहाँ पे चला गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसको यहाँ से थोड़ा इसको सॉरी मैं फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ये इसको थोड़ा नीचे लेके रख देता हूँ। तो इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पे जाके मुझे इसको दबाना है, तो मैं थोड़ा चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना है इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, ऊपर जैसे रेड है इसको भी मैं रेड कर देता हूँ ओके। ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है पर ठीक है। तो फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे अब इस पर क्या करना है,
फर्स्ट लेयर को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मुझे इस इंडिकेटर को लेके आना है 5 सेकंड पर, लाके इसको शिफ्ट बटन कर दबा के इसको काट करना है 5 सेकंड पर। अब मुझे फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके मुझे फिर से इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाके मुझे फिर सैटेलाइट पे जाना है और कर देना ग्लो। ये काम मैं मतलब ये काम बहुत आसान तरीके से ये यहाँ से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो विंडो है प्रीसेट विंडो, इसे मैंने क्लिक किया, इससे जाके मैंने इसको सर्च कर दिया ग्लो, सर्च कर दिया इसको ग्लो, तो ग्लो ये नीचे आ रहा है, तो इसको ड्रॉप एंड इसमें कर देना है ड्रैग। ड्रैग करते यहाँ पे एक नया विंडो खुल गया है। तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। जैसे सबसे ऊपर जो है 60 दिख रहा है, इसको मैंने कर देना है 80 एंड इनको कर देना है मुझे 30। अब ये ग्लो भर गया इसका। फिर से वही प्रोसेस मुझे इस पे करना है, लेयर को क्लिक करना है, लेयर को क्लिक करके सेकंड लेयर को क्लिक करना है, फिर से वही ग्लो को लेके इसमें रखना है, फिर से वही सेटिंग्स चेंज करना है, कर देना है 80, इसका कर देना है 30। ओके, अब फिर मुझे क्या करना है, सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर मुझे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाके मुझे जाना है ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन पे जाके मैं यहाँ से कोई भी ले सकता हूँ, तो कोई भी ऑप्शन ले, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या लेना है, सीसी लाइट ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब करने के बाद यहाँ पे ये विंडो नया खुल गया है, तो इसका मुझे कंप्लीजन चेंज करना है, इंटेंसिटी चेंज करना है। तो पहले मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे कर देना है, इसको मुझे कर देना है, इसको मुझे कर देना है 28। इसको मुझे करना है 28 करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ये जो इंडिकेटर दिख रहा है इसको लेके आना है 0 सेकंड पर। 0 सेकंड पे लाके मुझे 28 करके कंप्लीजन पे एक की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगा के मुझे इसको फिर से कर देना है, इंडिकेटर को फिर से कर देना है शिफ्ट बटन दबा के 5 सेकंड पर, और मुझे किसी से कंप्लीजन को करना है 0। तो ये दिख रहा है अच्छा, तो मुझे थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ाना है, इसको थोड़ा ग्लेज़ी करना है। तो मुझे इंटेंसिटी पे जाके इसको कर देना है हाइट, अब ठीक दिख रहा है, तो ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इस इंडिकेटर को रखना है 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे रखने के बाद मुझे फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, मैंने मल्ली के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करके फिर से मुझे इफेक्ट पे जाना है, ट्रांजिशन पे जाना है, ट्रांजिशन पे जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीसी लाइट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, ये सेंटर को क्लिक करना है, सेंटर को क्लिक करके मुझे सेंटर को मिडिल में लेके जाना है, मिडिल में लेके इसकी कंप्लीजन को कर देना है 60, कंप्लीजन को कर देना है 65 कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है, कंप्लीशन पे जाके मुझे की फ्रेम लगाना है।
की फ्रेम लगाने के बाद मुझे इस इंडिकेटर को क्या करना है, इंडिकेटर को कर देना है 10 और 15 सेकंड के बीच में मुझे जाके रखना है, रख के फिर से इस कंप्लीजन को कर देना है जीरो जीरो। अभी अच्छा काम कर रहा है, इसे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये उल्टा तरफ से खुल रहा है, तो मुझे इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कि नहीं तो इसको मैं पोजीशन को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके रखता हूँ। मैं अगर यहाँ पे जाके रखा तो ये कौन किस तरह काम करेगा। हाँ अब सही दिख रहा है इसको, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ये सीधी तरह से काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया हो गया ये। अब क्या करना है मुझे, कंप्लीट होता है यहाँ पे जाके मुझे इसको इंडिकेटर को रोक देना है। उसके बाद मुझे सबसे लास्ट लेयर पे क्लिक करना है, ब्लैक सॉलिड पे क्लिक करके फिर से मुझे इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाके मुझे जाना है वीडियो कॉपी लोड, कॉपी लोड वीडियो कॉपी लोड के जाके मुझे ऑप्टिकल फ्लेयर्स पे मुझे क्लिक करना है, ऑप्टिकल फ्लेयर्स पे क्लिक करके तो ऑप्टिकल फ्लेयर पे क्लिक करके मुझे ये ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे जाके यहाँ से मैं कोई भी कलर कोई भी एक चूज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे प्रीसेट ब्राउजर पे जाना है, प्रीसेट ब्राउजर पे जाके लाइट मॉनिटर ग्राफिक इस पे क्लिक करता हूँ, करके मुझे ये बहुत सारे लाइट दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे मैं फिलहाल कोई भी चूज कर सकता हूँ। अब मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल ये चूज करता हूँ एंड देन ओके। इस साइड में मुझे ठीक लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब ब्राइटनेस को मुझे थोड़ा बढ़ाना है, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो स्केल को मुझे स्केल को मुझे कर देना है जीरो, स्केल को जीरो करके यहाँ पे मुझे एक की फ्रेम लगाना है, की फ्रेम लगा के मुझे इस इंडिकेटर को लेके जाना है 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पे जाके मुझे फिर से स्केल को कर देना है
ये ठीक दिख रहा, पोजीशन को थोड़ा सेट। ठीक है, अभी नॉर्मल से अच्छी सी बन गई। तो मुझे फिर से क्या करना है, अभी टाइम रोलर पर जाके मुझे क्या करना है, यहाँ से पकड़ के कर मुझे लेके जाना है शिफ्ट बटन दबा के 10 सेकंड पर। अब मुझे जाके यहाँ पे करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। अब मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।